पूछ लाई क्या जिन चार साल जो आदमी के पास रहा वो लड़का फर्स्ट नहीं कर पाया। मैं समझ पा रहा अतीत आदमी भूल जाता है, कुछ हो जाने के बाद ना अपना अतीत भूल जाता है। हम कहाँ से उठे है, अब 12 साल भाई अकेले सब चीज कर रहा हूँ, अकेले कच्चे माल उठते रहते है, कच्चे माल कोई भी माल भर लेते हैं, अकेला मंडी लगा देते है। तो ऐसा भैया लो जैसा आदमी के साथ रहिएगा वैसा आप सीखते है, रहिएगा चिकन मटन बनाना है तो कैसा ड्राइवर बनिएगा। नमस्ते भाई लोग, कैसे आप सभी भाइयों को हमारे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आपका भाई है सुल्तानपुर। अभी 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 टाइम बज गया है 9:30 बज गया है जी। भैया जी है बहुत टाइम लगा रहे हैं जी। चलिए बकरी कितना है, खसी बकरी 1 लाख के माल होगा, कुछ ठीक नहीं है। अरे भैया कितना बकरी है, 120 1 लाख का मालिक है आप, 10 लाख के मालिक हो, 1 लाख के मालिक है, 10,000 का एक खसी है, 120 जोड़ लीजिए कितना का होगा, 10 को गए 1 लाख, माने 10 लाख, 12 लाख का मालिक है वो। मैं भी सोच रहा हूँ ना बकरी पालू, समझे, बहुत कमाई है जी, कच्चा बिजनेस है। आ कोई भाई बोला तो भैया मुर्गी पोसिए, तो मुर्गी में बहुत उसमें रिस्क है, समझे, इसमें रिस्क नहीं है। तो ये 2 आदमी है 120 बकरी को संभाल रहा है। था पंता भात खाए नहीं, भूल पड़ा गया। भैया बोला ये आवा खा लीजिए पराठा, चले गए खाने पराठा। चलिए खा लेते हैं, खराब हो जाएगा जी। सुबह सुबह देखिए पानी भात, ये पंता भात, आपको पेट ठंडा करना है सुबह सुबह खाइए, वो भी कौन कच्चा चावल का पंता भात, ये कच्चा चावल है, उपी वाला चावल है, बोलते भैया मेरा गाँव का है, तीता हो गया बहुत जी, मिर्ची बहुत तीत है, इसको निकालो, अन्न को बर्बाद मत कीजिए, इसी के लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन जगते हैं, काम करते हैं, बिहार से बाहर आते कमाने के लिए, फैमिली को छोड़कर। आपका भाई के अंदर एक खूबी है, अन्न में कभी नहीं फेंका हूँ, नीचे गिर भी जाता है ना उठा के खा लेते है। चलो चलते है, नाश्ता पानी हो गया है, अब यहाँ से निकलते है, बहुत टाइम हो गया जी, 10:30 बज गया है। तो जाएंगे यहाँ से एक बार करंजा, करंजा से ए क्या नाम है जी, नाम ही भूल गए है, मालेगांव, मालेगांव से जाएंगे मेकर, मेकर से चलना। एक भाई कमेंट कर रहे थे भैया रोहित के बारे में कुछ बोलिए, क्या बोले भाई, आदमी इंसान ना अपना अतीत ने, अतीत अतीत आदमी भूल जाता है, कुछ हो जाने के बाद ना अपना अतीत भूल जाता है, हम कहाँ से उठे है, समझे। आपका भाई अभी भी बोलता हूँ मेरा पहले मरई के घर था, मरई के घर था भाई, कभी मैं सोच रही थी भाई मैं कभी घर बना पाऊंगा और मैं गाड़ी ले पाऊंगा, ट्रक में ले पाऊंगा, अभी आपका भाई अभी मैं गाड़ी ले लूंगा चाहेंगे तो, वो भी गाड़ी की कमाई से, यूट्यूब की कमाई से नहीं। जब उनका लड़का ना गाड़ी चलाने लगे मुझे मान चल गया था, बहुत दिन पहले सब रोहित का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि ड्राइवर बन रहा है लड़का, ड्राइवर बन इसका क्या काम है, इस लड़का का काम क्या है। कोई कोई कमेंट करता रहता है, मैं देखता हूँ कभी कभी वीडियो खोल लेता हूँ, तो बोलता है रोहित अपना उस्ताद इज्जत नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था, तो भाई गुरु चेला में ना ऐसा होते रहता है, मेरा भी था ना गुरु जी, तो उससे हमको मार पीट सब चीज होता था, मार पीट गाली गलौज सब, क्योंकि गुरु चेला में चलता है, जो ड्राइवर होंगे वो बात को समझेंगे भाई, गुरु चेला क्या होता है समझे। उस लड़का को जब कमाने के समय आया उनको निकाल दिया समझे, वैसे कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, अब कुछ भाई होंगे ज्ञानी बाबा लोग कमेंट करेंगे भाई आप कैसे बोलते हो तुम उसके बारे में, वो कहाँ है 5 लाख बिना कमाता है, तुम क्या है। रोहित भाई के मैं बोला जाएंगे भाई आपके पास लाइसेंस होगा तो मेरे को आप मैसेज करना, आपको मैं गाड़ी दबाऊंगा समझे। जो इंसान लड़का 3-4 साल अपने गुरु किसी के साथ था उस्ताद के साथ,
उसको 25 दिन दिलवा पाया भाई, सच की बात है। आपका भाई 8 महीने में ना, आपका भाई 50 कर लिए थे 8 महीने में, 50 में कर लिया था। बताइए, जैसा आदमी के साथ रहिएगा वैसा आप सीखते हैं। रहिएगा चिकन मटन बनाना है तो कैसा ड्राइवर बनिएगा? हेलो, वैसे बुलाने जाएंगे आप, कोई भाई लोग होंगे वो आके अपना ज्ञान देंगे, तुम क्या है उसको सामने में। तो भाई मैं कुछ नहीं हूँ, वो पैसा कमाते हैं आपका भाई यार, समझे। आपका भाई आ गया कहाँ पे, कौन जगह पे आओ, गाड़ी घुमा दिया है यहाँ से, बहुत लफड़ा है जी, चुल्लू बाजार से गाड़ी घुमा दिया, मुझे मालूम था रास्ता बंद कर ले होगा, समझे, सब सेटिंग है, टूल टेस्ट नया खुला है, देखिए सामने टूल टेस्ट है ना, वो कौन टूल टेस्ट कितने वाला आएगा। हेलो, आपका भाई आ गया मेकर, देखिए HP का पंप है गाड़ी, इधर ना पछाड़ कर दिए है क्योंकि रोड पे गाड़ी के नहीं लगाना है, तो आपका भाई देखिए इधर गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ, और टायर बहुत गर्म हो रहा जी, यहाँ से मेकर आगे है 20 किलोमीटर, यहाँ से मेकर है और टायर पूरा आग हो गया है, देखिए टायर के हाल का है जी, बहुत गर्म हो रहा है, उसने गाड़ी को रोक दिया हूँ, देखिए 2 घंटे मैं गाड़ी चलाया हूँ, पूरा टायर पूरा आग हो गया है, चलते जाकर खाना वाना बनाते हैं जी, अभी टाइम 2:30 बज गया है, बताइए बहुत धूप है जी, बहुत धूप रखा है, खाना बना रहा है, यहाँ पर खाना बाइक से घूम के देते हैं, टिफिन उसमें दाल इधर में रहता है, सब्जी उधर में रहता है, पानी 80 रुपया लेते हैं कि 100 रुपया लेते हैं, एक बार लिए थे मज़ा नहीं आया जी, दूसरे लगता है, कोई टेस्ट नहीं रहता है, अरे ड्राइवर खाना दीजिए थोड़ा निम्मा लाइए तब आदमी खाएगा जी खाना, एक बार खाए थे फिर कभी नहीं लेता हूँ, हट इसे मैं बना लेते हैं, आधा ना लगेगा बना लेंगे, अभी टाइम बज गया है 3:30, भैया खाना बन रहा है, भैया बना रहे हैं चावल सब्जी आलू गोभी मटर, देखिए धनिया बहुत डाल दिए, चलिए खा के यहाँ से निकलते हैं, टाइम 4 बज गया है, चलिए बना है गोभी आलू मटर का सब्जी, बहुत सुंदर सब्जी बना है, चलिए खाओ के निकलते हैं यहाँ से, ज्यादा मसाला भी नहीं है, नमक कम है क्या? ठीक है। हेलो भाई, लो आपका भाई खाना पीना खा के निकल गए, अभी टाइम बज रहा है 4:30, तो भाई जी को बोले चलिए, 1 घंटा से लेटे हुए थे, चलिए तो जब अभी चले, चलिए 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 कोई बात नहीं, होता रहता है, जोरे साथ में ना थोड़ा सा गाड़ी मार खाता है, देखते हैं ये एक्सप्रेस वे गाड़ी अच्छे से कर रहा है, बबलिंग कर रहा है, और कहीं कहीं रास्ता पूरा खराब हो गया है, बताइए मारुति साहब 150-200 का स्पीड में चलता है, बहुत ओवर स्पीड चलता है मारुति, अब बहुत धूप है ये, देखते हैं आपका भाई का ठंडा में, देखिए पसीना, देखिए पसीना चू रहा है, इतना धूप है, उसे पर भाई चश्मा पहन ले आओ। भाई आ गया है सिंह राजा, तो यहाँ से मैं अभी लेफ्ट लूंगा, देखिए ये सर्विस रोड है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे और सामने से घूम 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 कर, और देखिए सामने में टूल टैक्स है, देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, और देखिए वो टूल टैक्स है सामने में, हुए वो अभी पैसा कटेगा,
अभी टाइम 6:30 बज गया है, अभी तक यहाँ पर अंधेरा नहीं हुआ है। हम लोग बिहार में अभी रात हो गया होगा, अब बंगाल में भी पूरा अंधेरा हो गया होगा, और भैया अभी तक आए नहीं जी, 10 मिनट से रुके हुए है। तो उनका थोड़ा गाड़ी में ना थोड़ा टान कम है, तब का भाई की गाड़ी में ताकत बहुत है जी। देखिए कूल टैक्स है, मस्त नज़ारा है जी। बाजरे की खेती हो रखा है, बहुत सुंदर। देखिए पूरे में बाजरे की खेती है, बाजरे की है, अंगूर का भी है, मस्त सीन है जी। अब यहाँ से आपका भाई का जलना वही 40 मिनट का रास्ता है, 30 किलोमीटर यहाँ से जलना है बचा हुआ। यहीं उतर जाएंगे, क्योंकि जलना जाएंगे ना यहाँ से आगे जाएंगे तो गाड़ी घूमता है, टू व्हीलर चला जाएगा और 10 किलोमीटर गाड़ी बेसी घूम जाएगा यहाँ। हेलो हेलो, आ गए भैया जी 20 मिनट बाद मेरे से। गाड़ी में पावर नहीं है तो गाड़ी हटानता कम है, काम खुज रहा है। दिन का बॉम्बे का माल है का जी, तो रात भर गाड़ी चलाएंगे तो और पहुँच जाएंगे, सो जाइएगा जाकर आगे कसारम जाके सोएंगे। हम लोग कल मिले थे, जोर जोर आ रहा है, यही से मेरा आपका भाई का आता था कि कुछ दिन जोर हुआ छोड़ते नहीं है, और छोटा ड्राइवर छोटा का भाई आता है का जी। ये बात सही है, अभी के ड्राइवर साहब ऐसा हो गया है, कहा बोलिएगा दोस्ती उस्ती बाहर में गया, चले तो अपना काम चले जी। फिर कम मिलेंगे हम लोग, इधर चलते रहते मिलते रहेंगे, ऊपर वाला जाने। हेलो हेलो, आपका भाई आ गया जलना, और जो मेरे साथ सब गाड़ी लूट किया था ना, आज सब आया है, देखे सब गाड़ी सब खड़ा है। चलिए क्या करें, टाइम तो अभी 8:30 बज गया है जी। अब मेरा साबुन ही खो गया सब डब्बा उब्बा, तो आपका भाई साबुन मिला नहीं, मेडिकल में जाएंगे तभी मिलेगा जी। तो लाइफ बॉय ले लिए थे, वो 2 दिन उससे नहाए है, पूरा दिन वो सब नोच रहा है जी, पता ना कैसा साबुन है जी, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय फालतू साबुन है, ये सब नोच रहा है। जैसा चोखा बना लेंगे बैंगन का, और अंडा का ऑमलेट बना लेंगे, सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है जी। इसमें डालते हैं लहसुन बैंगन में, बैंगन का चोखा बनेगा जी। मैंने इसका बैंगन में चोखा इसका यही है लहसुन, तब इसका ना खाने में अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। आज आपका भाई यही खाएगा, बैंगन का चोखा रोटी। चलो चोखा बनाते हैं जी, जो छील देते हैं खुइया को। इसमें डालते हैं सबसे पहले तेल, सरसों तेल, यही टेस्ट बढ़ाएगा, और बीट नून, नमक नहीं डालेंगे, डालेंगे बीट नून। बना के रेडी कर दिया हूँ चोखा, चोखा ये अंडा ऑमलेट। पहले खाते हैं बैंगन का चोखा कैसा बना है। वाह, बहुत सुंदर बना जी चोखा, पूरा तेल का स्वाद आ रहा है। चोखा खाइए तो बैंगन का बहुत सुंदर बनता है, इसका एक भरता ही बनता है पानी में उबाल कर, वो भी बहुत सुंदर बनता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बना के आप लोग को दिखाएंगे, इसका बहुत सुंदर वो भी खाने में लगता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भैया लोग जितना भी लेबर भाई लोग काम करते हैं, एक दीदी लेडीज है, लोकल दारू, तो लोकल दारू हाथ से बनाते हैं, वो सब पीते हैं जी। वो पिएगा आदमी एक मिनट पिएगा तो आदमी मर जाएगा जी। यहाँ तो मुझे बदबू आ रहा है, थोड़ा सा आगे में बेच रहा है, दिखाएंगे नहीं आप लोग को, क्या बोलिएगा। चलो अब टाइम बज गया है 9:30 बज गया है, तो भलो अब करते बोलो के अब मिलते हैं लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई को इसी सपोर्ट करते रहिए, और भाई को ऊपर इसी
प्यार बनाए रखिए। लव यू भाई लोग, गुड नाइट।